जैसे हम आगे से बैक आएंगे तो हम प्रॉपरली ऐसे करके गाड़ी को लाएंगे और ये अभी यहाँ से ऐसे आएगी इस तरफ। और दिक्कत कहाँ आती है लोगों की कि जैसे ही वो पीछे करते हैं ना तो इधर उधर टिल्ट करते हैं तो गाड़ी हमारी भागने लगती है। जैसे मान लीजिए हम अभी इधर करेंगे तो मुझे लगेगा इधर जा रही है ज्यादा। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि जो हमारे बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है बैक करने में, रिवर्स करने में, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी गाड़ी जो स्टार्ट करते हैं उससे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट का यूज़ जो है वो हमेशा करें, ठीक है? प्रॉपर आदत डालें कि आपको सीट बेल्ट हमेशा लगा के चलें, चाहे आपको थोड़ी डिस्टेंस पे क्यों ना जाना हो, बट आप सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें। सो गाइज, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। और जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स के बारे में, सो गाइड मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रिवर्स करनी है अपनी कार और प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्योंकि जो हमारे बिगनर्स होते हैं ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें सही से समझ में नहीं आता, उन्हें पता नहीं चलता कि हमें कैसे सही से रिवर्स करनी है, स्पेशली टर्न्स पे, ठीक है? जब हम टर्न लेते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमें राइट और लेफ्ट जाना है रिवर्स में। प्रॉपर बात करने वाले हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए क्लच दबाएंगे, बैक गियर लगाएंगे, और उससे भी पहले एक काम करना है कि हमें अपने ओवरवीएम जो है वो अच्छे से सेट कर लेने हैं, ठीक है? अभी देखिए मैं पूरी विंडो खोल दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। तो अभी देखिए मेरा ये जो राइट वाला ओवरवीएम है, सबसे पहले इसे सेट करेंगे, ठीक है? अब अगर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सेट कर सकते हैं, अगर मैनुअली है तो आप हैंड से सेट कर सकते हैं। अब आपको सेट कैसे करना है, देखिए ये देखिए यहाँ जो मेरी विजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर रहा हूँ, हो सकता है कैमरे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफर हो जाए। तो अभी क्या करना है आपको कि आपको ऐसे ओवरव्यू रखना है कि आपको देखिए ये पीछे का भी दिखना चाहिए, ठीक है? पीछे का डोर हैंडल दिखना चाहिए, और प्लस मैं हल्का सा नीचे करूँगा, ठीक है? हल्का सा नीचे करूँगा ताकि मुझे टायर भी विजिबल हो प्रॉपर, ठीक है? आपको पीछे वाला हैंडल और पीछे वाला टायर प्रॉपर विजिबल होना चाहिए कि आपका टायर पीछे वाला कहाँ चल रहा है, और पीछे तक का आपका कार का विजिबल होना चाहिए। उससे होगा कि विजिबिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, और आपको पीछे का नीचे का भी दिखेगा कि आपका रियर टायर किधर मूव कर रहा है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपको पता रहेगा कि आपका रियर टायर किधर चल रहा है राइट वाला, ठीक है? इसी तरह से हम सेट करेंगे अपना लेफ्ट वाला भी, देखिए लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा आउट है क्योंकि वो शायद बंद था तो भी मैंने खोला है, तो उसी तरह हमें उसे भी सेट करना है कि हम प्रॉपर पीछे का गेट का हैंडल, ठीक है, पीछे का डोर हैंडल हमें दिखना चाहिए, और नीचे का टायर की तरफ विजिबिलिटी होनी चाहिए, उससे हमें पता चले कि हमारा टायर कहाँ मूव कर रहा है। अभी देखिए जैसे मैंने बैक गियर डाला है तो सिंपली यहाँ से जब पीछे लेंगे ना तो देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरी कार पीछे किस जगह चल रही है, किस ईट पे चल रही है स्पेसिफिक, वो दिख रहा है, ठीक है? इसी तरह से राइट वाला भी मुझे विजिबल है आराम से कि मेरा राइट वाला रियर टायर किधर चल रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से प्रॉपरली देखिए आप स्टेयरिंग सीधे कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सीधे कर लेंगे स्टेयरिंग। अगर आपको स्टेयरिंग सीधा नहीं करना आता, आपको कहीं भी स्टेयरिंग मान लीजिए हो गया और आपको नहीं पता है कि किधर मूव करना है, तो आप सिंपली या तो पूरा राइट जाएंगे या पूरा लेफ्ट जाएंगे। अभी मैं पूरा लेफ्ट गया हूँ और यहाँ से डेढ़ राउंड जो है अपनी स्टेयरिंग घुमाएंगे और स्टेयरिंग हमारी बिल्कुल सीधी पोजीशन में आ जाएगी। ये देखिए ये हो गया हाफ राउंड, ठीक है? अब यहाँ से पूरा फुल राउंड, ये तो अब हमारी स्टेयरिंग की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है। आपको सेम ट्रिक फॉलो करना है, या आप राइट मूव करें या पूरा लेफ्ट मूव करें और वहाँ से डेढ़ राउंड स्टेयरिंग घुमा लें। ये हर कार के लिए एप्लीकेबल है, सेम रहेगा, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, और जब भी आप रिवर्स कर रहे हो ना तो देखिए हल्का सा क्लच छोड़िए और फिर क्लच दबा लीजिए, उससे आपकी गाड़ी भी नहीं बंद होगी और आपको प्रॉपर मोमेंटम रहेगा ताकि धीरे धीरे गाड़ी पीछे जाएगी, आपको ब्रेक भी कम यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं यहाँ से प्रॉपरली जा रहा हूँ, और देखिए दिक्कत कहाँ आती है लोगों की कि जैसे ही वो पीछे करते हैं ना तो इधर उधर टिल्ट करते हैं तो गाड़ी हमारी भागने लगती है। जैसे मान लीजिए हम अभी इधर करेंगे तो मुझे लगेगा इधर जा रही है ज़्यादा, और तभी हम क्या करेंगे इधर मूव करेंगे तो फिर गाड़ी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा घूमने लगेगी। तो आपको करना क्या है, अपने टायर की सीध पोजीशन देखनी है, पीछे वो किस जगह जा रहे हैं, और प्रॉपरली धीरे धीरे, ये देखिए क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे ले जाइए। आप अभी एज अ बिगनर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे करिए, उसके बाद जैसे जैसे परफेक्शन आता जाएगा आप स्पीड अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए मैं सीधे जा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरा किस ईट पे स्पेसिफिक टायर पीछे वाला चल रहा है, गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, हल्का हल्का टिल्ट कर रहा हूँ, हल्का हल्का अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है, और सेम इसी तरह मैं अपना लेफ्ट वाला भी देख रहा हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है, ठीक है, बैक करते हुए राइट की तरफ पीछे ले जाना है और फिर लेफ्ट की तरफ आगे वाला फ्रंट वाला मुंह रहेगा मेरा गाड़ी का, मुझे लेफ्ट की तरफ निकलना है और राइट की तरफ पीछे बैक लेना है, ठीक है?
तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए आप प्रॉपरली मैं आ गया हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि वहाँ वाली रोड अभी और पीछे है, ठीक है, तो मैं और पीछे ले जाऊंगा और जैसे ही लगेगा कि अब टर्न होने वाला है, ठीक है, आप चाहे तो प्रॉपरली यहाँ से भी देख सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए पीछे मैंने देख लिया, अगर आपको नहीं आइडिया, पीछे आराम से देख लीजिए। और यहाँ से क्या करेंगे, हम राइट की तरफ स्टेयरिंग मोड़ेंगे, ठीक है, हमें जिधर की तरफ मोड़ना है हम उधर ही की तरफ स्टेयरिंग मूव करेंगे, ठीक है। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपको जिधर गाड़ी पीछे की तरफ ले जानी है आप उधर ही का स्टेयरिंग मूव करेंगे। अभी मुझे जैसे राइट ले जानी है तो मैंने राइट स्टेयरिंग मूव करा। अब आप चाहे तो ये मूव करके पूरा पीछे कर सकते हैं ऐसे, या मान लीजिए पीछे बैक करते करते हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इधर की तरफ घुमाना चालू करेंगे ना, तो आप लेफ्ट पे भी देखेंगे कि कोई चीज़ आपको रोड पे दिख तो नहीं रही है, कि मान लीजिए रोड पे कोई चीज़ है या ऑब्जेक्ट है, या नीचे मान लीजिए बहुत बार होता क्या कि डॉग्स वगैरह बैठे रहते हैं, तो वो सब आपको देख लेना है कि कोई भी चीज़ नहीं है पीछे, और पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आराम आराम से देखिए क्लच छोड़ेंगे, क्लच रिलीज करेंगे ऐसे आराम आराम से। और अभी थोड़ा ना पीछे ब्रेकर टाइप का है तो थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सलरेट भी कर रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी ईजिली पीछे चली जाए। तो अभी ये देखिए ये यहाँ से मुड़ने लगी है, ठीक है, अब टर्न पे गाड़ी है तो मुड़ने लगी है, पीछे जा रही है। अब यहाँ से स्टेयरिंग अपना सीधा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे सीधा करेंगे। और ये मैंने सीधा कर लिया स्टेयरिंग, ये देखिए पीछे गाड़ी कहाँ जा रही है मुझे प्रॉपरली पता है। और वो किस वजह से है, सिर्फ कि मेरे ORVM अच्छे से सेट कर रखे हैं मैंने, और मुझे नीचे का भी दिख रहा है कि मेरी गाड़ी पीछे से किधर मूव कर रही है। सेम चीज़ है लेफ्ट साइड के साथ, ठीक है। अब मैंने करा, अब क्या करेंगे, अब प्रॉपरली मैं निकल गया हूँ और यहाँ से फ्रंट गियर डालेंगे और आगे चल देंगे, ठीक है। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरह से हमने आराम से मोड़ ली अपनी गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ हम ट्राई करेंगे अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। और आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए आप कंजस्टेड रोड में भी, या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कार वगैरह बगल से खड़ी है तो कैसे लाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आगे चलता हूँ और वो बगल में कार खड़ी है ना, तो उसके बगल से लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल सके। तो अभी देखिए यहाँ गए हैं बगल से, अब यहाँ गाड़ी हमने रोकी। अब देखिए अब जैसे कि हमें रिवर्स करना है तो हमें लेफ्ट का देखना पड़ेगा। देखिए बहुत दूर है वो गाड़ी, और आराम से देखिए बैक लेंगे और हल्का फुल्का इधर उधर टिल्ट करेंगे और राइट में भी देखेंगे, और आराम से देखिए जब गाड़ी निकलने लगेगी ना, ये देखिए बगल से काफ़ी डिस्टेंस है, तो आराम से हम मूव करेंगे और स्टेयरिंग पे अपना कंट्रोल अच्छी तरह से रखेंगे ताकि गाड़ी हमारी जो है वो स्ट्रेट जाए, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का राइट करना चाहिए, तो मैं राइट की तरफ स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए राइट की तरफ स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ और राइट की तरफ गाड़ी हमारी जा रही है, क्योंकि वैगनार से थोड़ा डिस्टेंस हो जाए तो सेफ डिस्टेंस हो जाए तो हम आराम से निकाल लें। अब देखिए इसी तरह से मैंने राइट और घुमाया और पीछे ORVM पे भी देख लिया कि जगह बिल्कुल खाली है, तो आराम से पीछे जाने देंगे, और थोड़ी स्पीड भी करी है मैंने, ठीक है, क्योंकि पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आराम से पीछे जाने दे रहे हैं कार को विदाउट एनी प्रॉब्लम। आराम से जा रही है, देखिए गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि हॉर्न भी करते रहिए ताकि प्रॉपरली पीछे अगर कोई आ रहा हो तो वो अलर्ट हो जाए। अभी देखिए पीछे ना बस आ गई है स्कूल की बच्चों को लेने के लिए, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर पीछे चलते हैं। तो देखिए बस जो है वो पीछे से मूव कर चुकी है। अब अभी देखिए हम जैसे कि बैक ले रहे थे ना, तो मैं इस साइड आ गया थोड़ा सा, ठीक है, चलते चलते मैंने कॉर्नर की तरफ दबा दिया। तो अब यहाँ से अगर फिर मुझे बीच मेन रोड पर जाना है, अभी देख रहे हैं फुटपाथ पर चल रहा है मेरा पीछे वाला टायर मुझे दिख रहा है, तो क्या करेंगे, मैं राइट की तरफ लूँगा। तो मैंने ऐसे राइट दबाया हल्का सा और देखा जैसे ही रोड पर गाड़ी आ गई है, फिर से स्टेयरिंग सीधा कर लेंगे ताकि गाड़ी हमारी जो है वो बिल्कुल सीधे पोजीशन में आ जाए। ये देखिए आराम से रोड पे आ गई, सीधे आ गई, बिल्कुल सीध हो गई, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि मान लीजिए ऐसे खाली लेन ढूंढें और वहाँ पे थोड़ा बैक करके चलाने की कोशिश करें ताकि आपको प्रॉपरली जजमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे पीछे और देखिए रोड का ना आपको कर्व दिखने लगता है, जैसे ही वो पीछे जाते हैं ना तो हमें दिख रहा है कि कर्व स्टार्ट होने वाला है। तो अब हमें यहाँ से अगर टर्न लेना है, अब हम लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, ठीक है, पहले हमने राइट साइड लिया था, अब हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट साइड स्टेयरिंग रोटेट करेंगे। अब पीछे देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल अलाइन होके पीछे से रोड के टर्न से ही घूम रही है, तो मैं यहीं से हल्का हल्का स्टेयरिंग काटूंगा और गाड़ी को पीछे जाने दूंगा रोड पे, ठीक है। अब ये देखिए ये देखिए इस तरह से हम पीछे कर लेंगे। अभी देखिए मैं आपको बाहर उतर के भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए, आइडिया लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं अपनी गाड़ी को पीछे ला रहा था, बाकायदा उस रोड से लेकर प्रॉपरली ऐसे करके ऐसे लाया हूँ, ठीक है।
जैसे हम आगे से बैक आएंगे तो हम प्रॉपरली ऐसे करके गाड़ी को लाएंगे और ये अभी यहाँ से ऐसे आएगी इस तरफ और फिर सीधे करके निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर। तो भी देखिए, आपने देखा, मैंने आपको पीछे से भी दिखाया, तो अभी प्रॉपरली और पूरा बैक करेंगे। बैक गियर लगा दिया है और आराम से देखिए और स्टेयरिंग काट रहे हैं लेफ्ट की तरफ। और ये देखिए पीछे जाने देंगे और प्रॉपरली देख लेंगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर आराम से आगे फ्रंट की तरफ चल देंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है वो हम प्रॉपरली बैक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ और थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं आगे गया, मान लीजिए यहाँ तक आया। अब मुझे यहाँ से अगर बैक करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने बैक गियर डाला और आप प्रैक्टिस इनफ करिएगा। ठीक है, अब ये देखिए स्पीड में गए थोड़ा और हॉर्न करेंगे ताकि पीछे वालों को भी दिख जाए कि हाँ गाड़ी आ रही है। ठीक है, आराम से हॉर्न करेंगे और इस तरह से ये देखिए पीछे चलेंगे। ठीक है, अभी बाइक आ रही थी तो मुझे तो दिख गई, तो मैंने आराम से ब्रेक लगा लिया। अब यहाँ से ये देखिए क्लियर आउट करेंगे यहाँ से, और फिर जैसे ही पूरी गाड़ी मुड़ जाएगी फ्रंट गियर लगाएंगे और आराम से इधर की तरफ चल देंगे। ठीक है, सो गाइस, देखा आपने कितनी इजीली हम लोग ने बैक करा, और वो सिर्फ किस वजह से कि हमारे ओवरव्यू अच्छे से सेट थे, हमारी विजिबिलिटी प्रॉपर थी, हमें दिख रहा था कि हमारा पीछे वाला टायर किधर मूव हो रहा था। आप जब भी बैक कर रहे हो ना, तो आप अपना ओवरव्यू अच्छे से सेट करिए ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि आपका पीछे वाला टायर आखिर मूव कहाँ कर रहा है। देखिए, अगर आपको पता चल गया कि आपका पीछे वाला राइट या लेफ्ट टायर किधर मूव हो रहा है, तो आपको बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिवर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन दिक्कत वही आती है जब आपको पता नहीं रहता है कि आपका टायर किधर मूव कर रहा है। सो गाइज, ये था मेरा एक वीडियो रिवर्स के ऊपर प्रॉपरली, कि कैसे हमें ओवर वीएम्स अपने सेट करने हैं और कैसे अच्छे से विजिबिलिटी रखते हुए हम बैक करेंगे अपनी कार प्रॉपरली। और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। ठीक है, क्योंकि उन्हें बारीकी पता चल जाएगी कि कैसे हमें अपना पीछे वाला टायर देखना और फिर बैक करना है आराम से। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।